ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। जसप्रीत, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, हम देख रहे थे सुबह से इक्का दुक्का लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, कितने फीसदी मतदान अब तक हो चुका है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि 9 बजे तक 9% तक मतदान हुआ है। बिल्कुल मोनिका, देखिए हम लोग घोषा महल सीट के बाहर मौजूद हैं और सुबह तो हम अंदर तक लोगों से जान पा रहे थे, लेकिन अभी पुलिस की मौजूदगी है और धारा 144 लागू है, इसीलिए हम लोग यहां पर नहीं आ पा रहे हैं और ये लोग हमें सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हैं वोटर्स से। और जो घोषा महल सीट है, दरअसल ये VIP इसलिए है क्योंकि 2018 में बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट यहाँ पर जीती थी और इस बार वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये SSK डिग्री कॉलेज है जहाँ पर लाइन जो है थोड़ी कम है, यहाँ पर कहा जाता है हैदराबाद में कि सुबह देरी से होती है, ऐसे में वोटर जो है वो देरी से निकलता है, एक एक करके पहुंच रहे हैं। और इसी बूथ पर जहां पर मेरी मौजूदगी है न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहा है टी राजा, जो कि यहां पर 11:30 बजे वोट देने पहुंचेंगे। और एक्सक्लूसिव जब बातचीत की थी उन्होंने कहा था कि वो हैट्रिक लगाने वाले हैं और जो कई सारे दावा करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपके पास आऊंगी। अरुण, आपका मैं रुक कर लेती हूँ, वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही, कुछ लोग आ रहे हैं क्या वोट देने? देखिए, जिस विधानसभा सीट नामपल्ली पर मैं इस वक्त हूँ, ये AIMIM जो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसका स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पर। यहाँ से विधायक भी उन्हीं की पार्टी की इस वक्त है, मौजूदा विधायक भी हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वोटर वो कतार में हैं, आप देखिए तस्वीरों में लंबी कतार है यहाँ पर। अब जैसे लोग कहते थे ना हैदराबाद में सुबह थोड़ा देर से होती है, थोड़ा देर से लोग सो के उठते हैं, लेकिन अब लोग सो के उठ गए हैं और वो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। देखिए, वेटिंग एक एरिया भी है यहाँ पर, सोफा लगा करके जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको यहाँ पर बैठाया गया है कि आराम से आप बैठिए, वोट करने से पहले भी, वोट करने से बाद भी। आप लोगों ने वोट कर दिया है? अच्छा, तो ये आज यहाँ की व्यवस्था कैसी थी इलेक्शन कमीशन की? ठीक है, बैठने ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं हुई? चुनाव कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। तो देखिए, ये कह रहे हैं सब ठीक, आपने वोट दे दिया? हाँ हाँ दे दी। अच्छा, अब आप आराम कर रही हैं? हाँ हाँ। कैसे है? हमारा नवासा, हमारा नवासा अंदर है। नवासा अंदर है तो वो आपको लेके जाएंगे? हाँ, पैर दर्द है, चलने को नहीं आता मेरे। अच्छा, पैर में दिक्कत है ना? हाँ। देखिए, जिन लोगों की उम्र हो गई है थोड़ा पैर में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर सोफा बढ़िया से लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन और सिक्योरिटी पर्सनल भी देखिए एकदम तैनात हैं, लाइन लगवाया उन्होंने, अंदर लोग जा रहे हैं। यहाँ पर दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया और ये लाइन है, ये देखिए लाइन में लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे नागरिक ऐसे लोग हैं जो लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सर, कितने देर से आप लोग खड़े इधर? 10 मिनट से खड़े। आराम से वोटिंग हो रही है? आराम से हो रही है। अच्छा, क्या ये जो पूरा इलाका है ये तो AIMIM का स्ट्रांग होल्ड है, उस पर तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, बट इश्यूज क्या आप लोगों के, क्या सोच के वोट? बहुत सारे इश्यूज है, लोकल है, हा? नेशनल है, उसके हिसाब से। लोकल में क्या इश्यूज है? लोकल में यही है, क्या बोलते हैं, GHMC के इश्यूज है, इसके क्या बोलते हैं, उसके काम वाटर सप्लाई। बिल्कुल आराम, हम देख पा रहे हैं आप शायद जो है हैदराबाद की या सुबह हो चुकी है, लोग जो है अपने घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं, आपके पास हम जरूर आएंगे। लेकिन धुआंधार प्रचार के बाद आज परीक्षा की घड़ी आ गई है, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है, पूरे प्रदेश की जनता बढ़ चढ़ कर मतदान करने पहुंच रही है। ऐसे में टॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं है अपने मतों का सही इस्तेमाल करने के लिए, टॉलीवुड सितारे भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी बड़ी हस्तियां भी वोटिंग बूथ पर पहुंची, अपने वोटर का इस्तेमाल किया। पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को आप देख रहे हैं, चिरंजीवी को आप देख रहे हैं, अल्लू अर्जुन को आपने तस्वीरों में देखा, जूनियर NTR वो भी आए, उन्होंने भी अपने वोटर का इस्तेमाल किया, वोटर का इस्तेमाल भी किया और लोगों से ज्यादा अपील कर वोट करने की भी अपील की।